सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल शांतनु राज यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल शांतनु राज यूट्यूब चैनल, मैं हूं शांतनु राज। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा वंडर सिर फिल्मोरा में बग स्प्लिट एरर को आप कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आज खास इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि आज मैं एरर रिलेटेड वंडर सिर का मैं वीडियो बना रहा हूं। तो दोस्तों, आज इसे ही मैं फिक्स करने के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, शुरू से अंत तक आप वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए, इस वीडियो को मैं शुरू करता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं वंडर सिर फिल्मोरा के एरर को आपको दिखा देता हूं ओपन करके। तो दोस्तों, मैं यहां से वंडर सिर फिल्मोरा ओपन कर रहा हूं। तो दोस्तों, यह ओपन होगा तो थोड़ा वेट कर लेंगे आप। तो दोस्तों, यह ओपन होने वाला है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं वंडर सिर फिल्मोरा ओपन हो गया है। तो दोस्तों, ओपन होने के बाद एक मैसेज शो होता है, जैसा कि आप देख रहे होंगे बग स्प्लिट का मैसेज। तो दोस्तों, ये ऐसा मैसेज शो हो रहा है। तो दोस्तों, ऐसा मैसेज क्यों शो होता है? तो बग स्प्लिट, तो ऐसा एरर जिस टाइम में जब आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो वह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच एक गैप बनाता है, जैसा कि आप देखे होंगे D3T11। तो दोस्तों, यह एक प्रकार का लाइब्रेरी फंक्शन है। तो यह ड्राइवर जो है, डिस्प्ले ड्राइवर, आपके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच गैप फिल करता है, जिसके कारण से आपका सॉफ्टवेयर और गेम्स रन हो पाते हैं। तो दोस्तों, तो इंस्टॉल करते वक्त जब आप बीच में आपका कोई भी एरर शो होता है तो वह आपका पूरी तरीके से गैप फिल नहीं कर पाता हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच, तो आपको ऐसा मैसेज शो होता है। तो दोस्तों, मैं आज इसे ही फिक्स करने वाला हूँ। तो दोस्तों, चलिए इसे शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको सी ड्राइव में चले जाना है। तो मैंने विंडो ही प्रेस करा तो सी ड्राइव यहाँ ऑप्शन खुल गया। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है प्रोग्राम फाइल का ऑप्शन में, और इसमें आपको उसके बाद वंडर सिर फिल्मोरा को आपको सर्च कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं वंडर सिर फिल्मोरा है, और उसके बाद आपको फिल्मोरा 9 के फोल्डर में चले जाना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे आप नीचे ड्रैग करेंगे तो आपको एक फाइल सर्च करना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप, मैं सर्च कर रहा हूँ तो आपको एक फाइल का नाम जैसा कि आपको शो हो रहा होगा। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे रन टाइम अंडरस्कोर कॉन्फिगर फाइल को सर्च कर लेना है। तो दोस्तों, मैं देख रहा हूँ नीचे करके, तो आपको आर वाले ऑप्शन में चले जाना है। तो दोस्तों, यहाँ आप देख रहे होंगे रन टाइम कॉन्फिगर। तो दोस्तों, यहाँ मेरा दो फाइल है। तो दोस्तों, अगर आपके पास एक ही फाइल है तो रन टाइम कॉन्फिगर, तो दोस्तों आपको रन टाइम अंडरस्कोर कॉन्फिगर फाइल में चले जाना है। तो मैं यहाँ पे अपने रन टाइम अंडरस्कोर कॉन्फिगर फाइल 1 को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इस पर आपको राइट क्लिक करके एडिट ऑप्शन में चले जाना है। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज की, जैसा कि आप देख रहे होंगे, तो इसमें आपको प्रॉपर्टीज की के वैल्यू को आपको सेट करना होगा, जैसा कि आपको मैंने बताया था D3D11। तो यह एक प्रकार का डिस्प्ले ड्राइवर आपके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को फिल करने के लिए होता है। तो यहाँ दो ऑप्शन हो रहे हैं, D3 और D9। तो दोस्तों, यह एक प्रकार का आपका DLL फाइल है जो आपके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच ये भी आपका गैप फिल करता है। तो दोस्तों, यह DLL फाइल एक प्रकार का लाइब्रेरी फंक्शन होता है। तो यह आपको रजिस्टर एडिटर में बहुत सारा फाइल इसमें से देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपल से आपको यहाँ पे D3D11 का आपको वैल्यू इसमें सेट कर देना है। तो दोस्तों, D3D11 को आपको वैल्यू सेट कर लेना है। तो यह एक प्रकार का मॉडल आपका लाइब्रेरी फंक्शन बनाएगा जो आपके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए बीच में जो आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए होंगे इसके बीच का ये गैप को फिल करेगा
और आपका डिस्प्ले पूरी तरीके से सॉफ्टवेयर को रन करने में सपोर्ट करेगा। तो दोस्तों इसे कुछ नहीं करना, आपको D3111 असाइन करके आपको इसे सेव कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ याद रखना है आपको, मैं यहाँ पे रन टाइम अंडर स्कोर कॉन्फिगर 1 फाइल लिया हूँ। तो दोस्तों आपके पास ये रन टाइम अंडर स्कोर कॉन्फिगर फाइल होगा, तो आपको इसे ही एडिट करके आपको सेव करना है। दोस्तों जैसे ही आप इसे सेव करेंगे, वापस से आपको वंडर शेयर फिल्मोरा को ओपन कर लेना है। तो यहाँ मैंने इसे सेव कर लिया और मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं वापस से वंडर शेयर फिल्मोरा को ओपन करता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ इसमें से फाइल और प्रोजेक्ट को लेके। तो दोस्तों फिल्मोरा 9 ओपन हो रहा है जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसके बाद का एरर मैसेज। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपका मैसेज सेंटर का ऑप्शन आ रहा है और आपको तो आपको वैसा एरर शो नहीं हो रहा है जैसा कि आपको देखने को मिल रहा था। तो दोस्तों बग स्प्लिट का एरर पूरी तरीके से फिक्स हो गया। तो यहाँ पे मैं फाइल ले लेता हूँ कुछ, तो यहाँ पे आपको दिखाने के लिए मैं अपने फाइल ले लेता हूँ। जैसा कि मैं प्रॉपर्टीज फोल्डर में जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इंट्रो अपना ले लिया और आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे एरर पूरी तरीके से फिक्स हो गया है। तो मैं आपको यहाँ पे चला के दिखा देता हूँ अपना इंट्रो। तो दोस्तों यह बग स्प्लिट एरर पूरी तरीके से फिक्स हो गया है वंडर शेयर फिल्मोरा में। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब ऑप्शन के राइट साइड बेल का आइकन होगा, आप उसे प्रेस कर दें जिससे मेरे वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है इसके रिगार्डिंग, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं, तो मैं इसका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू सो मच।